अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही मज़े की डिश बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं नमकीन, कुछ नमकीन सवैयाँ जिसको कहते हैं, जो दाल सवैयाँ हम खाते थे उसमें जो सवैयाँ होती थी वो आज हम बना रहे हैं। बच्चों की फरमाइश थी बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनानी। इसके लिए हमने चार आलू लिए हैं, उनको हमने अच्छी तरह बॉयल करके तो मैश कर लिए। लेकिन बिल्कुल नरम, कोई इसके अंदर लम्स नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल एक जैसा स्मूथ सा हमने इसका पेस्ट बना लिया। ये हो गया। अब हम लेंगे एक बाउल, ठीक, इसमें डालेंगे ये आलू, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, एक चम्मच जायके के लिए इसमें जाएगा मिर्च, एक चम्मच डालेंगे हल्दी। सिंपल मसाले हम डाल रहे हैं, एक चम्मच डालेंगे ये नमक और थोड़ा सा डालेंगे काला नमक जायके के लिए। हमने लिया है कढ़ाई में ऑयल और इसको हम मीडियम सी आंच पे रख देंगे गर्म होने के लिए। चलिए जी, ये अब मीडियम से भी ज़रा स्लो आंच है तो ये अब होता रहेगा गर्म। अब हम अगला काम करते हैं इसका। अगली नाजरीन, आपने ले लेनी है इस तरह की एक बोतल, इस तरह की, ये नरम प्लास्टिक वाली हो, और ये इसके ढक्कन में इस तरह कर लेने हैं कोई भी चीज़ गर्म करके सुराख, ताकि इनसे हमारी सवैयाँ बारीक बारीक गोलाई में बनेंगी। मैं आपको दोबारा दोहरा दूँ, मैंने लिए हैं 4 आलू, मैं आपको दोबारा अच्छी तरह बॉयल करके अच्छी तरह मैश कर लिया है। उसके बाद उसमें डाला है हमने 1 अंडा, नमक, हल्दी 1 चम्मच, आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और फिर उसमें डाला है 1.5 कप डाला है बेसन, और तकरीबन 1/2 से ज़्यादा कप थोड़ा सा पानी डाला, और 1 टेबलस्पून हमने डाला दही, और उसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया बिल्कुल यकजान। तो चलिए अब हम लेंगे एक गिलास, एक लेंगे इस तरह का हम शक्कर, ठीक, इसका ये कोना नीचे करके हम इस तरह इसको कर लेंगे, और इसके अंदर भरेंगे बैटर। ये हमने इसके अंदर बैटर भर लिया है, यहाँ थोड़ा सा हिस्सा काट देंगे कैंची से, और इसको इसके अंदर रख के आराम से हम बोतलों के अंदर डाल लेंगे, वरना इसका ये जो है मुंह ऊपर से छोटा है तो डालना बहुत मुश्किल है। चलेंगे ये देख,
कि हमारा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। अच्छा नहीं, ये हमारा ऑयल थोड़ी सी कसर रह गई है, ये मैंने छोटा सा डाला है, तकरीबन गर्म हो गया ऑयल। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ये आपकी तरफ से हमें एक खुशी का एहसास होता है। अगर आप कमेंट्स करेंगे, हमें बताएंगे कि आपको मेरी डिशेस कैसी लग रही हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलें, हमारा ये तकरीबन ऑयल हो गया है गर्म, तो चलें जी अब हम ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने बारीक सुइयाँ बनाई, अब ये हमारी मोटी सुइयाँ हैं, ये हमने शॉपर में डाल के उसका कोना काट के उससे किया बॉटल में नहीं किया। तो चलिए नाज़रीन, ये हमारी हो गई है, देखिए मज़े की सुइयाँ तैयार, कुरकुरी सी हुई हैं, बहुत खस्ता है, तो टेस्ट भी बहुत मज़े का बना है। ये हमने बारीक बनाई और ये हमने थोड़ी मोटी रख के बनाई हैं, और ये हमने थोड़े से बनाए हैं कि दही में डाल के तो फिर बनाएंगे। ठीक, उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और ट्राई ज़रूर करें और फीडबैक ज़रूर दें कि अगर आपने बनाई है तो कैसी बनी है। आप लोगों के कमेंट्स से हमें पता चलेगा कि हमारा काम कैसा जा रहा है। तो चलें, इंशाल्लाह अगली कोई धमाकेदार रेसिपी के साथ फिर हाज़र होंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।